दोस्तों, सोना ही एक ऐसा मेटल है जिसे देखते हुए मनुष्य के मन में लालच आ जाता है कि काश मेरे पास भी ढेर सारा सोना होता। सोने के आभूषण बिना औरत का श्रृंगार अधूरा होता है। दुनिया भर में सबसे अधिक मात्रा में सोने से आभूषण बनने के कारण ही सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। सोने की उपलब्धता से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जा सकता है। दोस्तों, सोना ही एक ऐसा चमकीला धातु है जो पीले रंग की दिखती है, बाकी इसके अलावा कोई भी धातु सुनहरे रंग की नहीं होती है। अगर वो होती भी है तो उस धातु की ऑक्सीकरण के कारण ही वो सुनहरी दिखती होगी। इसी सुनहरी चमकीले सोने के बारे में आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, गोल्ड शब्द यूरोप के घोल से बना है जिसका मतलब पीला या चमकीला होता है। गोल्ड का केमिकल सिंबल AU है जो लैटिन शब्द के ओरम से बना है जिसका मतलब चमकता हुआ भोर है। रोमन भोर की देवी ओरूरा थी और उन्हीं के नाम पर ओरम शब्द बनाया गया था। 50वीं ईसवी पूर्व में रोम में सोने का सिक्का चलाया गया जिसे ओरस कहा जाता था। दोस्तों, ग्रीस के प्राचीन लोगों का मानना था कि सोना पानी और सूर्य के किरणों का घना मिश्रण है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पर सोने का सबसे बड़ा भंडार सागर है? सागर की तलहड़ी में करोड़ों टन सोने का भंडार मौजूद है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रभावी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उसे हम बाहर निकाला जा सके। एक अनुमान के मुताबिक सागर में इतना सोना मौजूद है कि अगर उसे बाहर निकाला जाए तो धरती पर रहने वाले हर इंसान को 4 किलोग्राम सोना दिया जा सकेगा। दोस्तों, धरती पर सोना एक अत्यंत दुर्लभ धातु है। आज की तारीख तक केवल 1,52,000 टन सोना खदानों से निकाला जा चुका है, जबकि हर साल 90.7 करोड़ टन लोहा खदानों से निकाला जाता है। यानी अब तक जितना सोना धरती से निकाला जा चुका है उतना लोहा तो हर घंटे निकाला जाता है। पूरी दुनिया में केवल इतना ही सोना है जिससे ओलंपिक के 3 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जमा किया हुआ सोने का स्टॉक अमेरिका में अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के 5 मंजिला अंडरग्राउंड बिल्डिंग में सोने के करीब 94,00,000 बार रखे हुए हैं और इतना सोना पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व का 25% है। इस सोने का अधिकतम हिस्सा विदेशी सरकारों का ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है सोना बिजली और हीट का बहुत ही अच्छा सुचालक है, इसीलिए बहुत से जटिल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के अंदर कनेक्शन करने के लिए सोने का तार का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा एप्पल कंपनी के फोन में भी सोने का तार से बहुत से कनेक्शन किए गए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोने में कभी जंग नहीं लगती है? इसका कारण यह है कि सोना नोबेल मेटल के कैटेगरी में आता है जो हवा के संपर्क में आने पर मेटल ऑक्साइड की परत नहीं बनाता। यही कारण है कि सोने के आभूषण पहनने पर त्वचा से संबंधित परेशानी नहीं होती है। यदि सोने के आभूषण के त्वचा में परेशानी हो रही है तो उस सोने में जरूर कोई दूसरा मेटल मिलाया गया होगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपके शरीर में भी सोना है। जी हाँ दोस्तों, 70 किलो के एक सामान्य मनुष्य के शरीर में करीब 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, वो भी घुली हुई अवस्था में। और दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद सोना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर के जोड़ों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाता है। और इतना ही नहीं, सोना हमारे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। दोस्तों, सोना भले ही इतना कीमती होता है, लेकिन सोने की खुदाई कठिन होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी है। सोने की खनन और शुद्धिकरण में लेड, एसिड, बोरेक्स, साइनाइड और चूने जैसे केमिकल का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक बिजली की भी जरूरत होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सोने के कुछ अनोखे तत्वों के बारे में जानकारी दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो हमें आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही अनोखे तथ्यों वाले वीडियो